हेलो एवरीवन, आज है संडे, तो संडे का दिन होता है थोड़ा सा रिलैक्स डे। और आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आज मुझे लंच नहीं बनाना है क्योंकि हम लोग लंच के लिए आज बाहर जाएंगे, तो इसलिए वो समय मैं दूंगी बच्चों को। तो मंत्र के साथ थोड़ी देर मस्ती करूंगी और लक्षिता को मुझे थोड़ी देर पढ़ाना है, तो आज मैं उसको कराने वाली हूँ कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर हम लोग लंच के लिए बाहर जाएंगे और इवनिंग में मैं बनाऊंगी कुछ स्नैक्स, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो संडे को ऐसा होता है कि मुझे ब्रेकफास्ट के साथ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद है, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर में अपार्ट फ्रॉम मर्डर, सुसाइड, एक्सीडेंट्स, इन सब न्यूज़ के अलावा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी नॉलेज होती है, तो ये पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मुझे बाहर से कुछ प्लांट्स लेकर के आने हैं, क्योंकि आज मैं लक्षिता को पढ़ाने वाली हूँ प्लांट टिश्यूज़, तो उसके लिए मुझे कुछ प्लांट्स चाहिए जिससे कि मैं उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे सकूँ। और इन्हीं के साथ हम लोग करेंगे कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। और यहाँ से मैंने ले लिए हैं कुछ प्लांट्स जिनको मैं यूज़ करूँगी एज टीचिंग एड्स। और उसके बाद मैं थोड़ी देर मंत्र के साथ खेलूंगी, क्योंकि नहीं तो वो मुझे लक्षिता को नहीं पढ़ाने देगा। उसको लगेगा कि मम्मी ने तो सारा अटेंशन दीदी को ही दे दिया है, तो पहले इसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो थोड़ी देर लक्षिता और मैं मंत्र के साथ खेलेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे। कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले टॉपिक का एक रिवीजन ज़रूर लेती हूँ, तो कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, एक डायग्राम बनवा करके देख लेती हूँ, तो उससे मालूम चल जाता है कि बच्चे को पुराना टॉपिक कितना याद है और उसने पढ़ाई की है या नहीं की है। तो लक्षिता मुझे वही करके दिखा रही है। अब उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ये एक्सपेरिमेंट। बुक से रीडिंग करके समझना बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो जो भी एक्टिविटीज़ घर पे करना पॉसिबल है मैं उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़रूर देती हूँ अपने बच्चों को। तो ये जो है ना, ये लिविंग होते हैं और ये डिवाइडिंग होते हैं, क्योंकि लैब वाले अपैरेटस तो हमारे पास घर पे नहीं हो सकते, लेकिन जो भी मटेरियल हमारे पास घर पर अवेलेबल है उससे हम कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ ज़रूर करते हैं टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम प्याज को रख रहे हैं पानी में, क्योंकि हमें इसकी रूट्स की ग्रोथ को देखना है। एक और लगा लेना, तीन लोग। हाँ बस ठीक है, वेरी गुड। और ये एक प्लांट है वॉन्ड्रिंग जू, जो मैंने पानी में रखा हुआ था और इसमें रूट्स ग्रो हो गई हैं, तो हम इसी की हेल्प से समझेंगे कि प्लांट के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, कहाँ कहाँ पर टिश्यूज़ बिल्डअप होते हैं और किस तरीके से रूट्स की ग्रोथ होती है। और यहाँ पर मैं इसको ये भी समझा रही हूँ कि जब हम टिप्स की ट्रिमिंग कर देते हैं तो उसके बाद प्लांट में क्या चेंजेस होते हैं वो तुम इसमें दो तीन दिन बाद ऑब्जर्व करना। तो ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी हमने कर ली है और सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रेडी करके रख दी हैं। और अब हमें जाना था बाहर लंच के लिए, तो मेरे घर के पास ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। उनका खाना काफ़ी अच्छा है और बजट फ्रेंडली भी है, तो जब कोई स्पेशल ओकेज़न नहीं होता हम बस ऐसे ही कभी लंच के लिए चले जाते हैं तो आते हैं हम अक्सर यहाँ पर, और यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है और बजट फ्रेंडली भी है। तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या मंगवाना है लंच के लिए, और सबकी अलग अलग चॉइसेस थी, तो काफ़ी टाइम लगा हमें सिलेक्ट करने में कि हमें लंच में आज क्या खाना है। और ऑर्डर आने में जैसे टाइम लग रहा था तो मंत्र यहाँ पर सौंफ और मिश्री से खेलने लगा था, तो पता नहीं बच्चे कुछ भी करने लगते हैं और छोटे छोटे खेलों से उनको बहुत खुशी मिल जाती है। तो जब खाना आया हमारे टेबल पर मैं देख के सरप्राइज थी कि हमारी टेबल पर साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़ और इटालियन सारे क्विजींस थे, तो हम चारों की अलग अलग चॉइस थी। और बस खाने को हमने एंजॉय किया, और मुझे तो बाहर आने का सिर्फ एक लालच रहता है कि बिना कुछ बनाए आपको अच्छा खाना खाने के लिए मिल जाता है, नहीं तो बाकी लोग तो घर पर भी एंजॉय करते ही रहते हैं। तो बस खाना वगैरह हमने ख़त्म किया, अच्छा था, ओवरऑल चीज़ें अच्छी थी। सिर्फ स्प्रिंग रोल एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल भरा हुआ था, तो स्प्रिंग रोल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, बाकी तीनों चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। और ये मंगाई थी हमने लस्सी, और लस्सी बहुत खट्टी थी, लस्सी भी अच्छी नहीं थी।
और बच्चों को तो आदत है घर की एकदम मीठी दही की लस्सी पीने की, तो इन दोनों को ही लस्सी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो अब हो गई है शाम और आज मुझे बनाने हैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से बर्गर। और मेरे घर के पास ही है एक बेकरी की शॉप, वहाँ पर बहुत ही अच्छे बर्गर और ब्रेड्स और बेकरी का सारा सामान मिलता है। तो यहाँ पर एक नॉनस्टिक कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, जिससे कि बटर जले नहीं। और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं बारीक कटे हुए अनियन, और इनको हमें जब तक सॉटे करना है जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। और मंत्र को बहुत शौक है किचन में काम कराने का, तो ये मेरे साथ ही बैठ जाता है। और अनियन ट्रांसलूसेंट होने के बाद मैंने इसके अंदर बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं, और उनको भी हम लिड से कवर करके थोड़ा सा कुक होने देंगे। और जब तक मैं बर्गर में स्लिट लगा लेती हूँ, तो हमें बर्गर बन का ऊपर वाला पोर्शन पूरा अलग नहीं करना है, इस तरीके से स्लिट लगानी है। और बीच बीच में हम अपने टमाटोज को भी चेक करते रहेंगे। तो टमाटोज ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं, हम इन्हें 1 से 2 मिनट और कुक करेंगे जिससे कि एकदम सॉफ्ट और मुशी हो जाएं। तो टमाटर हमारे यहाँ पर रेडी हैं। अब हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्ची और धनिया और नमक। इसके बाद हम एक बार अच्छी तरीके से मिला लेंगे जिससे कि मसाला भी हमारा अच्छी तरीके से भुन जाए। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू, जिनको मैंने मैश करके रख लिया था। तो यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू ऐड किए हैं, और इनको मैं पोटैटो मैशर की हेल्प से अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी जिससे कि कोई भी बड़ा टुकड़ा आलू का ना रह जाए मसाले के अंदर। और अब इसमें ऐड किया है मैंने क्यूब्स में कटा हुआ पनीर, और लिड लगा करके मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पका लूँगी। और स्टफिंग हमारी रेडी है, इसके बाद मैं इसको फिल कर दूंगी अपने बर्गर बन के अंदर। और अब मैंने लिया है एक नॉनस्टिक तवा, इसके ऊपर फिर से मैंने थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड किया है, और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स। तो हल्का सा मैं इनको भून लूँगी। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमारे चिली फ्लेक्स जो हैं वो जलने नहीं चाहिए। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स के साथ थोड़ा सा शेजवान सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और फिर हम इसके ऊपर अपने बर्गर्स को सेक लेंगे, दोनों तरफ से अच्छी तरीके से टोस्ट करेंगे, और क्रिस्प होने तक अपने बर्गर्स को हम सेक लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और ये फर्स्ट वैरायटी के बर्गर्स हमारे रेडी हैं, और बच्चों ने इसको टेस्ट किया, और उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी फरमाइशें की कि हमें जो नेक्स्ट बर्गर बन चाहिए वो इस तरीके से कस्टमाइज चाहिए। तो मैंने उनके हिसाब से फिर आगे के बर्गर्स बनाए। तो यहाँ पर मंत्र मुझे बता रहा है कि उसको बर्गर बन के अंदर क्या क्या लगवाना है। तो लक्षिता अपने लिए बर्गर खुद बना रही है अब, और ये लगा रही है बर्गर बन के ऊपर मेयोनीज, उसके बाद रख रही है जो स्टफिंग मैंने रेडी की थी वो, और क्यूकम्बर, और ये मैंने पनीर के स्लाइसेस को सेक लिया है तवे के ऊपर, और दूसरे पीस पर लगा रही है शेजवान और मेयोनीज, और सेकंड वैरायटी का बर्गर हमारा रेडी है। और ये मंत्र बनवा रहा है अपने लिए, उसने आलू की स्टफिंग लगवाने से मना कर दिया, इसने क्यूकम्बर पनीर चीज़ और टमाटोज लगवाए हैं, और उसके बाद हल्का सा सिकवाया है तवे पर। और ये थर्ड वैरायटी का बर्गर भी हमारा रेडी है। तो आप भी इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के बर्गर्स ट्राई कर सकते हैं। और कैसा लगा आपको ये संडे का व्लॉग, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप कैसे अपना संडे स्पेंड करते हैं ये भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल श्वेता गुप्ता को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।